बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर 3.1। चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद में मैंने आपको 3.1 के पहले सवाल के दो सवाल तो करा दिए थे, अब करेंगे तीसरा। फर्स्ट का सवाल नंबर 3 है, इसमें है 6x² - 6 - 2, यानी गुणा करने पर तो 6 × 12 और माइनस करने पर कुछ नहीं तो 1 आना चाहिए। 4 को 3 से गुणा करो 12, 4 में 3 घटाओ 1, ये हो जाएगा 6x², या एक लिखा है वहाँ 4 - 3 x - 2। 6x², 4x से गुणा करो 4x - - +-2, यहाँ जोड़े बन जाएंगे, इसमें 2x कॉमन आ गया, 3x बचेगा, यहाँ 2 कॉमन आ गया है, कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन ले लेंगे, 3x - 2। इसमें देखिए आप 3x - 2 को मिल लिया, यहाँ बचेगा 2x + 1। शून्य याद करेंगे, 3x - 2 = 0 लिख दिया, 2x + 1 = 0, तो 3x बराबर कर लेंगे तो 2 और 2x बराबर लिख दिया तो -1, तो x = 2/3, x = -1/2। ये अपने पास दो शून्य का है, अब इनकी जांच कर लेंगे। तो शून्य को का योग -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। देखिए शून्य को का योग ये है 2/3 प्लस -1/2, -x का गुणांक क्या है ये रहा -1 और x² गुणांक 4 है, इन दोनों का लस आएगा 6, 3 से 2 बार, 4, 2 से 3 बार, 1/6, तो 6/6। तो यहाँ भी आ गया अपने पास, यानी उत्तर की जांच अपने कर ली। इसी प्रकार इसका पहले का सवाल करेंगे हम। पहले का सवाल देखो आप, फर्स्ट का 5वां सवाल है, इसमें लिखा है x² - √3 + 1 और x और +√3, ये है सवाल में। अब यहाँ भी सवाल करेंगे x² - इसको गुणा करो √3x - इसको गुणा करो x + √3, x कॉमन ले लेंगे x - √3 - 1 x - √3, तो x - √3 अपन ने कॉमन ले दिया और x - 1। अब इसको सुनने के याद करेंगे x - √3 = 0 और x - 1 = 0, तो x = √3 आ गया और x = 1 आ गया। यहाँ भी जांच करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो √3 + 1 - x का गुणांक क्या रहा है, 1 माइनस को पहले करेंगे और ये √3 + 1, x का गुणांक कुछ नहीं ले लेंगे तो √3 + 1 और यहाँ पर √3 + 1, तो ये अपने पास दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी अपने शून्य बिल्कुल सही है। ये हो गए पहले के 5 सवाल। अब सवाल नंबर दूसरा करेंगे। दूसरे सवाल में अपन को पूछा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए और शून्य का योग दे रखा है, गुणनफल दे रखा है। दूसरे का पहला, शून्य को का योग आपको दे रखा है -3 और शून्य को का गुणनफल है 2। द्विघात बहुपद का सूत्र लिखा था मैंने आपको, द्विघात बहुपद बराबर x² - शून्य को का योग x + गुणनफल। देखिए
एक्स स्क्वायर शून्य का योग रहता है माइनस थ्री और गुणनफल दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस दो, इसका आंसर। इसी प्रकार ये हो गया दूसरे का फर्स्ट। सेकंड में ऐसे हो जाएगा, इसमें योग तो दे रखा है अंडर रूट दो, योग तो दे रखा है रूट दो और गुणनफल दे रखा है, गुणनफल इसमें है वन अपॉन थ्री। तो सूत्र वही, ये सूत्र लिख देंगे आप और आ जाएगा हमारे पास द्विघात बहुपद। देखना क्या आएगा, द्विघात बहुपद मान पड़ेंगे इस सूत्र में एक्स स्क्वायर माइनस योग है अंडर रूट दो एक्स का एक्स गुणनफल एक बटा तीन। ठीक है, ये हो गया पहले का दूसरा सवाल। ऐसे ही पहले का तीसरा चौथा, पहले का चौथा देख लीजिए, शून्य को का योग तो आपको जीरो दे रखा है और गुणनफल दे रखा है अंडर रूट पांच। तो सूत्र है, सूत्र ये काम आएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को जीरो एक्स गुणनफल अंडर रूट पांच, एक्स स्क्वायर माइनस जीरो प्लस रूट पांच, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट पांच, ये आंसर आ जाएगा। तो अपने ये प्रश्नावली 3.1 पूरी हो चुकी है। अब कल हम पढ़ेंगे प्रश्नावली अभी तो एक सवाल वाइबल कराता हूं मैं आपको। तीसरा सवाल, सवाल नंबर तीसरा इसका है, इसमें लिखा है कि बहुपद दे रखा है और शून्य के वर्ग का योग दे रखा है और के का मान पूछा है। देखो सवाल नंबर तीसरा, बहुपद है, बहुपद है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस के। ठीक है, अब यहां पर इसके अपन शून्य के मानने पड़ेंगे, दो शून्य के मान लेते हैं, दो शून्य के माने तो देखना, माना कि दो शून्य अल्फा व बीटा है। मैंने सूत्र लिखा है शून्यकों का योग का योग माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्य का अपने पास अल्फा और बीटा मान लिए अपन ने, माइनस एक्स का गुणांक यानी माइनस का आठ, एक्स का गुणांक कितने तो एक, अल्फा प्लस बीटा का मान है अपने पास आठ, समीकरण नंबर एक मान लिए। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये भी सूत्र लिखा रखा है मैंने, बराबर अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये सूत्र लिखा रखा है। अब गुणनफल क्या है यहां पर, अल्फा बीटा अचर पद के और इसका गुणांक कुछ नहीं तो एक, अल्फा बीटा का मान आ गया के, समीकरण नंबर दो। अब देखना समीकरण वन का, समीकरण है एक का दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे बराबर के पहले भी बाद में भी, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और आठ का स्क्वायर, होल स्क्वायर ही आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दो अल्फा बीटा और ये चौसठ। समीकरण दो से मान पर देंगे अल्फा बीटा का, यहाँ पर केवल देंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस टू के इक्वल टू 64। अब देखना सवाल में दे रखा है शून्य को के वर्गों का योग, ये दिया हुआ है शून्य को के वर्गों का योग 64,
चालीस, सॉरी चालीस एक्स है आपको ये शून्य जो हमने माना है एल्फा और बीटा यानी कि एल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान आपको दे रखा है। ये समीकरण तीन मान लो, तीन में एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान रखने पर तो यह मान रखेंगे चालीस प्लस दो के बराबर चौसठ, तो यह आएगा दो के बराबर चौसठ माइनस चालीस घटाएंगे कितना बचेगा चौबीस के बराबर चौबीस बटे दो बारह आंसर आएगा। इस प्रकार इस सवाल को हम करेंगे, बाकी सवाल कल पढ़ेंगे।